बच्चों कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जायरेडा ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए बच्चों, जैसा कि हमने आपको शीतकालीन अवकाश का गृह कार्य दे ही दिया था, अब हम करेंगे सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों, पहला हम देखते हैं विषय हिंदी, कक्षा है 4, 4 बच्चों। देखिए दिनांक है हमारा 28 दिसंबर। प्रश्न पहला है हमारा शब्द लड़ी बनाओ। बच्चों शब्द लड़ी क्या होता है, जैसे पहला अक्षर है हमारा किताब, किताब में ब से ख़त्म हुआ है तो अगला अक्षर भी ब से शुरू होगा। ठीक है, जैसे ब से हमने लिखा बतख, बतख। ठीक है, अब अगला अक्षर हमारा ख से ख़त्म हो रहा है तो हम आगे लिखेंगे ख से खरगोश। ठीक है बच्चों, अब ये हो रहा है शैशे ख़त्म तो हम लिखेंगे शैशे क्या होगा बच्चों, बच्चों शैशे शलजम, ये एक हमारी सब्जी होती है। ठीक है, ये ख़त्म हुआ मैसे तो मैसे हम लिखेंगे मछली। ठीक है बच्चों, सभी को आया कैसे होता है शब्द लड़ी। आप सभी अपने अपने अलग अलग शब्द बनाएंगे। अभी देखिए अगला है हमारा बुलबुल, तो ये ख़त्म हुआ है ल से बच्चों। ठीक है, सभी को दिख रहा है ल, तो हम ल से लिखेंगे लड़की। ये हमारा कैसे ख़त्म हुआ है तो हम लिखेंगे कबूतर। ये हमारा र से ख़त्म हुआ है तो हम लिखेंगे रस्सी। ये हमारा स से ख़त्म हुआ है तो हम लिखेंगे सरस। ठीक है बच्चों, सभी को समझ में आया। चलिए बच्चों, हम अब हमारा देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा। नीचे दी गई वर्ग पहेली में से संज्ञा शब्द को लाल, सर्वनाम शब्द को हरे एवं विशेषण को नीले रंग से भरो। देखिए बच्चों, संज्ञा शब्द क्या होते हैं मैं आपको बताती हूँ। संज्ञा वे शब्द होते हैं जो किसी व्यक्ति, स्थान, जाति के लिए हम काम में लेते हैं। देखिए, ठीक है बच्चों, जैसे कि राम मेरा भाई है तो राम हमारा क्या हुआ संज्ञा। तुम भारत गए घूमने, भारत, तो भारत हमारा क्या हुआ बच्चों संज्ञा हुआ। ठीक है, सर्वनाम किसे कहते हैं, देखिए बच्चों सर्वनाम क्या होते हैं, सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग होते हैं। ठीक है, और विशेषण क्या होते हैं बच्चों, जो विशेषता बताते हैं कि वो चतुर है, वह सुंदर है। ठीक है, ठीक है बच्चों, सभी को समझ में आया। चलिए देखते हैं, पहले हम करेंगे संज्ञा शब्द को। संज्ञा हमारा अनार हुआ, फूल हुआ, भारत हुआ, कबूतर, गायक, गंगा, पर्वत, तितली, पेड़, बगीचा, लोमड़ी, सूरज, अमेरिका, तालाब, शहद, जानवर, सचिन, बारात। ठीक है बच्चों, ये हमारे हुए सब संज्ञा शब्द। चलिए अब हम करते हैं सर्वनाम शब्द। सर्वनाम क्या होंगे, जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग होंगे। ठीक है, उन्होंने, वे, मेरा, उन्हें, हम, तुम्हारा, मेरी, कोई, इसे, आप, आपको, हमने, कौन, यह, वह, मुझे।
ठीक है बच्चों, सभी को समझ में आया? अब हम करेंगे विशेषण। चतुर, मीठा, आठ, सुंदर, छोटा, ठंडा, सफ़ेद, अमीर, चमकीला, गंदा, बचपन, भारी, बुढ़ापा, प्यास। ठीक है बच्चों, सभी को समझ में आया मैंने किस तरह करा है? बच्चों किसी भी स्थान, व्यक्ति, जाति, इन सब के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है बच्चों, सर्वनाम किसे कहते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं? जैसे राम मेरा भाई है, वह विद्यालय जाता है, वह इस कक्षा में पढ़ता है, तो वह जो यूज़ कर रहे हैं अपन, प्रयोग में ले रहे हैं, वो हम सर्वनाम है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में ले रहे हैं। विशेषण किसे कहते हैं जो विशेषता बताता है कि मेरा भाई चतुर है, मेरा भाई लंबा है, मेरा भाई मोटा है। ठीक है बच्चों, सभी को समझ में आया? चलिए बच्चों, हम देखते हैं हमारी अगली वर्कशीट। विषय है हमारा गणित, कक्षा है 4th, दिनांक है 28/2012। देखिए, फर्स्ट गतिविधि, नोवल कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्ति के छींक या खांसी से निकली छोटी बूंदों से फैलता है। ठीक है बच्चों, आपको पता है कोरोना किस तरह से फैलता है? ठीक है, इसलिए 6 फीट या 2 मीटर की सामाजिक दूरी बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, यदि एक सड़क की लंबाई 50 मीटर है तो वहाँ कितने लोग एक कतार में खड़े हो सकते हैं? देखिए बच्चों, हमें 50 मीटर लंबी सड़क है, ठीक है, 50 मीटर लंबी सड़क है, 2 मीटर की हमें दूरी में बनानी है, तो हमें पूछा है कितने लोग आ सकते हैं, तो हम इससे भाग देंगे, 2 × 2 = 2, 25 बार करेंगे तो 50 आएगा, तो 25 लोग एक कतार में खड़े हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, आया सभी को समझ में? देखिए गतिविधि दूसरी, उन 2 गतिविधियों का नाम लिखे जिन्हें आप लॉकडाउन के दौरान अधिक समय दे सके, जो कि आप अन्यथा नहीं दे पा रहे थे। देखिए बच्चों, ऐसी कौन सी गतिविधियाँ हैं जो जिन्होंने आपने लॉकडाउन में बहुत समय दिया है, पहले नहीं दे पा रहे थे? जैसे कि बच्चों, आपने व्यायाम किया होगा, ठीक है, उसको बहुत आपने समय दिया। दूसरा आपने क्या किया होगा, चित्रकला, मतलब ड्राइंग करी होगी, उसको बहुत टाइम दिया होगा आपने, क्योंकि जब स्कूलें खुली थी तब तो अपन थोड़ा ही टाइम दे पाते थे। ठीक है, आप सभी ने और किस किस में टाइम दिया है वो यहाँ आप लिखिए। देखिए बच्चों, तीसरी है गतिविधि, लुप्त संख्या ज्ञात करें। देखिए बच्चों, हमें जो लुप्त है, जो यहाँ संख्या नहीं लिखी है, उन्हें ज्ञात करना है। देखिए बच्चों, क्या जोड़ा कि 4 आया? देखिए यहाँ पर 4 कैसे आया, कौन सी 2 संख्या हमने जोड़ी है? देखो यहाँ जोड़ने का निशान है, तो हमने 2 + 2 किया तो आया 4। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे 8 आया, 2 संख्या हमें जोड़नी है, तो कोई भी 2 संख्या जोड़िए, 4 + 4 8 हुए हमारे। ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहाँ पे बोला गया है ट्रायंगल मीन्स वही संख्या हमें लेनी है जो आगे तक काम आने वाली है। ठीक है, तो हम ट्रायंगल मतलब त्रिकोण में 2 + 2 ले लेते हैं। ठीक है, त्रिकोण हमारा 2 हुआ, स्क्वायर गोला, ठीक है, अभी हम 2 संख्या लेंगे। ठीक है बच्चों, तो जैसे हमने इसको 2 माना, इसको 6 माना, तो आई हमारी 8। ठीक है, इसको 6 मान लिया, इसको 2 मान लिया, नहीं